बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है। बिहार की धरती सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह के परिवर्तनों की धरती रही है। सामाजिक चेतना जितनी यहां रही उतनी बहुत और दूसरी कम जगहों में रही है। आज हम जब यहां पे इस बातचीत के लिए इकट्ठा हुए तो विषय हमारा यह था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, अपेक्षाकृत कमजोर पार्टियां हैं, उनकी भूमिका क्या हो सकती है? क्या वो राष्ट्रीय विकल्प बन सकती हैं या एक ऐसी ताकत के तौर पे वो उठ सकती हैं जो समाज परिवर्तन को दिशा दे? इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे जो इस पैनल में दो लोग हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक बिल्कुल अपोजिट छोर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन का, एक दक्षिण और एक वाम। तो मीना तिवारी हैं CPIML की सेंट्रल कमिटी के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की मंत्री हैं अमृता भूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां आई। लेकिन एक गैर राजनीतिक शख्सियत भी आपके बीच में है, ये हमारी अपनी BBC के मणिकांत ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार और जिन्होंने बिहार को एक अरसे से देखा है, यहां की तमाम उथल पुथल उतार चढ़ाव सब मणिकांत ठाकुर की नजरों से गुजरे हैं। और दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चर्चा है ये न तो एक पत्रकार और राजनीतिज्ञों के बीच में है और न ही सवाल जवाब हमारे आपके हैं। ये सवाल जवाब हो जो पीछे बैठे हुए हैं, छात्र नौजवान लड़के लड़कियां जो या तो इस 2019 में वोट देंगे या आने वाले सालों में वोटर बनेंगे, उनके सवाल हैं। तो मैं इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करूं, एक वीडियो, बेगूसराय की महिलाएं, बेगूसराय की बच्चियां क्या कहना चाहती हैं वो सुनिए। अगर वीडियो तैयार है तो इसको शुरू किया जा सकता है थोड़ी देर में। अच्छा लगता है हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कि वो वीडियो तैयार नहीं है, लेकिन वो वीडियो अगर आप देखेंगे, अच्छा अच्छा लीजिए। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी दालों को जलने दो, मगर जो दालें आज भी हरी है उन पर तो तरस खाओ। एक ऐसी चीज जो रोकती है औरतों की आजादी की परवाज, जानने निकले हम औरतों की आजादी की आवाज। काला रहे या गोरा रहे मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें बस हमें पढ़ना लिखना और कुछ आगे बढ़ना है और हमें सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब छोटे छोटे निक्कर पहनते हैं तो हमें समाज के लोग बोलते हैं कि ये लड़की निक्कर पहन रही है, छोटी छोटी बेशरम है, ये वो वगैरह। मैं समाज की गंदी सोच को मिटाना चाहती हूँ। लड़का है तो बाहर घूमेगा, लड़की है तो घर में बैठेगी। प्रेम भेदभाव, हमारे समाज में जो लड़कियाँ नीचे कास्ट के लड़कों से प्यार करती है उन्हें शादी करने के लिए नहीं मिलती है, बोलती है वो लड़का नीचे कास्ट है। मुझे दंगों से आजादी चाहिए, गाली और मारपीट से हमको आजादी चाहिए, औरतों को घर में मारा जाता है और पीटा जाता है, इससे हमें आजादी चाहिए। हमें आतंक से आजादी चाहिए क्योंकि मेरे देश के जो सैनिक सारे मारे जाते हैं। मैं खेलने के लिए जाती हूँ तो मुझे घर में सब मना करते हैं खेलने से, मेरे भाई को नहीं कहते कि ऐसा क्यों होता है, लड़कियों को ही क्यों मना किया जाता है। लड़के लोगों को हर चीज़ के लिए अपने मन मर्जी का काम करने के लिए माँ बाप उन्हें छूट दे देते हैं, लेकिन हम अपने लिए जब कुछ पैड्स खरीदना चाहते तो माँ बाप अपने मन मर्जी नहीं करने देते। मैं कहती हूँ कि शाम हो गया है, मुझे अब खेलना है, तो मम्मी मुझे नहीं जाने देती क्योंकि मम्मी को सेफ फील नहीं होता है और मुझे अपने मनपसंद के कपड़े भी पहनने नहीं दिए जाते हैं।
हमारी बच्चियों ने कुछ बातों को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकने की बात कही है। ये पूरा ट्रेंड जो है ये दिखा रहा है कि लड़कियां अब पढ़ रही हैं और अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक हो रही हैं। तो आज की महिला जो है वो द्रौपदी जितनी कमजोर नहीं कि कोई भी उसका बाल पकड़ करके उसे कहीं भी ले जाए। अब बच्चियां सशक्त हो गई हैं। कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ। अगर ऐसी ही फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। ये तालियां बता रही हैं कि जो बच्चियां जो अपनी बात कहीं, उनसे आप तमाम लोगों की सहमति है। आप तमाम लोग महसूस कर सकते हैं, कर सकती हैं कि वो क्यों कह रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ मौजूद दो राजनीतिक पार्टियों की महिलाओं से है जो बहुत जिम्मेदार पदों पे हैं। अमृता भूषण जी, आपकी राजनीति में मंदिर है, हिंदू है, गाय है। आपकी राजनीति में क्रांति है, समाजवाद है, लाल झंडा है। ये बच्चियां कहां हैं आपकी राजनीति में? राजेश जी, सबसे पहले तो आपने शुरुआत ही गलत की। हमारी राजनीति में वो सारी बातें हैं जो इन बच्चियों ने की हैं अभी और कही हैं। हमारी राजनीति में एक एक बच्ची ने जो यहाँ पे प्रश्न किया और जिसकी आज़ादी मांगी और अपने हिसाब से जीने की कोशिश मांगी, उसका जवाब ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने दिया है, अपनी योजनाओं में दिया है। यहाँ तक कि स्वच्छता, जो पीरियड्स की बात करी है बच्चियाँ, तो स्वच्छता के रूप में किया है। आज़ादी की बात कर रही हैं, इज्जत की बात कर रही हैं, तो शौचालय के लिए किया है। रहने की बात कर रही हैं तो मकानों के लिए किया है। तो आपने जो शुरुआत मंदिर और गाय से की है, आप वो शुरुआत शायद विकास से भी कर सकते थे। हमेशा से आप लोगों ने गलत पक्ष को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। आप मानते हैं कि मंदिर और गाय गलत पक्ष है? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ कि वो अलग पक्ष है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर सामाजिक समरसता में चलना है और देश की बात करनी है और राष्ट्रहित की बात करनी है और हिंदुस्तान की बात करनी है और हिंदुस्तान को आतंक मुक्त बनाने की बात करनी है, तो इन सब बातों पर गौर करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार साथ साथ चलती है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, चाहे वो सामाजिक समरसता की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो और चाहे विकास की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सवाल वही सवाल मीना तिवारी जी से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, जिम्मेदार पद पे हैं। आपका जो भी आंदोलन है, और बिहार की धरती में बहुत दशकों से आपके आंदोलन चल रहे हैं, कॉमरेड जौहर की लड़ाई से लेकर के और आज विनोद मिश्रा के बाद और आज तक, इन बच्चियों की आवाज आज भी वैसी ही क्यों है जैसी आज से 70 साल पहले हुआ करती थी? आपकी राजनीति ने कब उनको केंद्र मान के चली है? हमारी आवाज है, इसमें आवाज आ रही है। आप कह सकते हैं कि CPIML की शुरुआत ही महिलाओं के सवाल से हुआ है। बिहार के भीतर, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बिहार की ही चर्चा कर रही हूँ, बिहार में भाकपा माले की शुरुआत गांव के गरीबों के बीच हुई। और जो हमारा पहला सवाल था वो था गरीबों के लिए उनकी उचित मजदूरी, उनका सम्मान और औरतों पर होने वाला अत्याचार, बलात्कार, जो हम देखते थे कि लगातार औरतें जो मजदूर परिवार की लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं जो मजदूर होती थी, उनके ऊपर लगातार बलात्कार करना वो हक समझते थे। जो पुरानी जमीन, जब आप चूंकि जौहर के समय की बात कर रहे हैं, समय बहुत आगे बढ़ गया है, तो भाकपा माले की शुरुआत ही महिलाओं के सम्मान के प्रश्न के साथ हुआ है। बराबर की मजदूरी मिले महिलाओं को, मजदूरी की बराबरी के लिए महिला मजदूरों की हड़ताल से शुरू हुआ है, जिसमें महिला पुरुष सब शामिल होते थे। इसलिए हमारे आंदोलन के केंद्र में है महिलाएं। और अगर आप देख लें कि दिसंबर 12 की जो घटना हुई निर्भया कांड के बाद, जो पूरे देश में आंदोलन चला,
और कह रही कि आपकी पार्टी ने चलाया जी, क्या आप ये कहना चाह रही कि आपकी पार्टी ने वो आंदोलन चलाया? मेरी पार्टी ने नहीं चलाया, मेरी पार्टी उसमें मजबूती से खड़ी थी, और जो मेरा महिला संगठन है आपवा, उसने नारा दिया जब सुषमा स्वराज ने कहा कि अब वो निर्भया तो अगर बच भी गई तो वो जिंदा लाश बनकर रहेगी, तो सबसे पहले ये आपवा था, भाकपा माले का महिला संगठन था। हमारी नेता कविता कृष्णन ने कहा कि बलात्कार से किसी औरत की इज्जत नहीं जाती है, वो सिर उठा के जिएगी, अगर वो जिए और सिर उठा के जिए, ये कहने वाले हम हैं। और हम मैं मणिकांत जी को लाता हूं, एक मिनट की बात खत्म कर लूं, जिस आजादी की बात करें, बेखौफ आजादी का नारा हमने उस समय दिया, और हम लोगों ने ये कहा कि जो बलात्कार हो रहा है वो महिलाओं का प्रश्न सिर्फ नहीं है, ये एक राजनीतिक सवाल है, ये महिलाओं की आजादी का सवाल है, और इस प्रश्न को उठा के हम लोग लगातार लड़ते रहे। अभी ये सवाल भी आएगा कि आपकी पार्टी 60, 70, 80, 90 के दशक से बिहार में और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर राजनीति कर रही है, इसके बावजूद उसको उतनी स्वीकारता क्यों नहीं मिली। लेकिन मैं मणिकांत ठाकुर को बीच में लाता हूं, ये दोनों भद्र महिलाएं अभी जो दावा किया है सब लोगों के सामने, आप एक तटस्थ पत्रकार के नाते ये बताइए कि ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि इनके दावे गलत हैं, सही भी हो सकते हैं, आपकी नजर में ये छोटी बच्चियां, लड़कियों के सवाल क्या राजनीतिक पार्टियों के सवाल बन पाए हैं कभी? देखिए, दावे का या दावों का आधार ही जब कहीं ना दिखे ना बने तो फिर कई तरह के सवाल उठते हैं। और आप, मैं उस राज्य में हूँ, आप उस राज्य की राजधानी में आए हैं जहाँ इस राज्य से बाहर के लोग और इस राज्य के लोग भी बराबर खबरों की सुर्खियों में क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं बालिकाओं पर। अब उस राज्य में जब आप ये चर्चा कर रहे हैं, जो हाल ही में मुजफ्फरपुर बालिका कांड से गुजर चुका है, जिस राज्य की सरकार के एक महकमे पर यह आरोप लगा है, समाज कल्याण विभाग, जिसका काम ही होता है समाज कल्याण, उस विभाग की वजह से यहाँ जो बालिका केंद्र हैं, जो शेल्टर होम हैं, वहाँ क्या क्या नहीं हुआ। ये जो सवाल आपने की उठाया है, इनका जवाब पहले मैं आपसे ले लूं, क्योंकि आप तो सत्ता में शामिल हैं, और फिर आप भी अपने सवाल तैयार रखिएगा, दो सवाल ले पाएंगे, दो ही सवाल, बाकी ये लॉटरी जैसा है, किसी को भी मिल सकते हैं। आप प्लीज प्रश्न एक बार फिर से चाहूंगी। आपने दावा किया कि आपकी पार्टी, ये बच्चियों के जो, बेगूसराय की बच्चियों के जो सवाल थे, आपकी पार्टी, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री दरअसल वही काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन बच्चियों की आवाज तो आप तक पहुंचती ही है। लेकिन मणिकांत ठाकुर ने अभी कहा कि इसी राज्य में एक सरकारी विभाग की वजह से वो शेल्टर होम का जो पूरा कांड हुआ था, वो एक सरकारी विभाग की वजह से हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी आप हैं। मुझे लगता है कि ये सोचना कि जो भी हो रहा बस इन एक सालों में हो रहा है या फिर 4.5 सालों में हो रहा है, ये सोचना ही एक सोच पर प्रश्न लगाती है। और दूसरी बात, मैं मैम की बात पे भी कहना चाहूँगी, जब इन्होंने कहा था कि सुषमा स्वराज जी ने कहा कि वो बस एक लाश बन के रह जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये दोष किसी पे भी लगाना, और लगाने से पहले ये सोचना, और सोचने के बाद ये जानना कि हमारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले ही ये कानून ला पाए हैं कि बलात्कार के बाद फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसा पहले हुआ था क्या? 60 सालों में तो रही थी सरकार, कह तो रही है जौहर के समय से बलात्कार होते रहे थे, तो जौहर के समय से बलात्कार होते रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं कांग्रेस ने ये प्रावधान लाया? उनको नहीं लगता था कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, उन्हें लगता था ठीक है। और कह रही हैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती थी, तो क्या महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती थी तो ये महिलाओं की तरफ से नहीं होना चाहिए था? क्या सजा का प्रावधान आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? अमृता जी, आपने अपनी बात कह दी, आप जवाब थोड़ी देर में देंगी, लेकिन अभी एक मिनट रुक जाइएगा। मैं यहाँ बहुत सारे हाथ उठे हैं, मैं किसी बच्ची से जो कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, उनसे एक मिनट रुकिएगा प्लीज, आप उनकी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल पहले आप पूछिए, आप अपना जवाब तैयार रखिए, अपना नाम बताइएगा, और ये पॉइंटेड सवाल पूछिए, किससे पूछ रही हैं?
मेरा नाम अरुश्री है और मैं पटना वुमेन्स कॉलेज से हूँ। मेरा सवाल मीना जी से है कि उन्होंने कहा कि बलात्कार होने के बाद भी लड़कियां सर उठा के जी सकती है। मेरा सवाल यह है कि ये बलात्कार हुई क्यों? हमने हक तो नहीं दिया उन्हें। बिल्कुल सही कह रही हूँ, हम इसके साथ हैं कि ये बलात्कार क्यों होता है और क्यों हो रहा है, जो दावे लगातार किए जा रहे हैं। सवाल उन्होंने शेल्टर होम पर किया और अमृता जी ने कुछ और जवाब दिया, लेकिन ये सच्चाई, ये चार साल नहीं, बिहार के भीतर तो बीजेपी और नीतीश जी की सरकार कई सालों से चल रही है। और शेल्टर होम का जब मामला सामने आया, यहाँ महिला संगठन के कई लोग हैं, ये महिला संगठन है बिहार के जिन्होंने सब, और वो वामपंथी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो भाकपा माले से जुड़े हुए हैं, वो दूसरे वामपंथी पार्टियों से, और स्वतंत्र महिला संगठन भी है। हम लोगों ने सबसे पहले जब ये घटना शेल्टर होम की सामने आई तो ये हमारी पार्टी से हम लोगों ने वहाँ भेजा, टीम भेजी, मामले को सामने लाया, सारे महिला संगठनों ने मिलकर इस पर आंदोलन किया। लेकिन भाजपा का जो इसमें रोल रहा, जब आंदोलन के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई और सीबीआई के जांच अधिकारी को बदल दिया गया, और वो भी एक बार नहीं, दूसरी बार में आप जानते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने सजा तक दी कि एक कोने में जाकर चुपचाप बैठो। तो महिलाओं पर जो बलात्कार हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर बलात्कारियों और अत्याचारियों को सत्ता का संरक्षण मिलता रहेगा तो बलात्कार खत्म नहीं हो पाएगा। बलात्कार को अगर रोकना है तो सबसे पहले जो सरकारी संरक्षण है, जो राजनीतिक संरक्षण है, वो राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि एक एक छोटे छोटे मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, एक FIR तक दर्ज करवाना काफी कठिन होता है। जी जी जी, आपने अपनी बात कही, अमृता जी कुछ कहना चाहिए। ये शेल्टर होम का जो मामला सामने आया है, इसमें अभी भी सरकार जिस तरह से कर रही है, ब्रजेश ठाकुर पकड़े गए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर से जो भाजपा के विधायक है उनका नाम आ रहा है। नहीं, ये आपने बात कही, अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि जो हम लगातार देख रहे हैं। वो कुछ कहना चाह रही, उनको जवाब देने दीजिए और फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास, सवाल तैयार रखिएगा। भाई मीना जी, नाम आ जाने से सजा का प्रावधान थोड़े ही हो जाता है? कल आपका नाम हो जाएगा तो सजा का प्रावधान थोड़े ही हो जाएगा? प्रूफ होना चाहिए ना, जांच तो चली रही है, पहली बात। दूसरी बात की जहां पे शेल्टर होम की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे, पीछे मैं देख सकती हूँ युवा बैठे यहाँ से वहां तक, और मैं उनसे ही पूछ रही हूँ, वो खुद ही सोचकर बताएं और जवाब दें। और इतना विश्वास मैं यहाँ बैठकर दिला सकती हूँ कि जहां पे भी NDA की सरकार है, चाहे वो केंद्र हो या बिहार हो, लड़कियों पर कोई भी अत्याचार या कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, उस पे दूसरी राय सरकार की नहीं बन सकती है। अगर कहीं भी ये प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सरकार में हो या सरकार में ना हो, पार्टी में हो या पार्टी में ना हो, अगर वो लिप्त है ऐसे किसी भी मामले में, उसी समय उसे सजा दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी कोई भी व्यक्ति हो। और ये दिया जा चुका है, आप देख चुके हैं पिछले शेल्टर होम के मामले में, जिसका भी नाम आया, जिस भी तरह से नाम आया और जैसे भी नाम आया, कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की गई है, और बाकी व्यवस्था कानून की व्यवस्था है, अमृता जी कानून देखेगी। मैं ये सवाल अब युवाओं के सामने रखता हूँ कि इस मंच से जो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं या वादे कर रहे हैं, आपको कितना भरोसा होता है? होता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऐसा क्यों है कि यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे, अभी आप लोग दिग्गज महिला नेता हैं, आपके सामने ये नौजवान पीढ़ी कह रही है कि आप पर भरोसा होता ही नहीं है? सवाल लाइए, कोई सवाल पूछिए। ये आप पत्रकार हैं, एक मिनट रुकिए, पत्रकारों का सवाल नहीं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, माफ कीजिएगा। कोई छात्र, हाँ वो हाथ पीछे से बोलिए। सबसे पहले तो नाम बताइएगा अपना। जन्मेजय कुमार। सबसे पहले BBC को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल प्लीज पूछिए। सवाल यही है, इंतजार कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन बात है कि आप जैसे तमाम पत्रकार लोग ही
मुजफ्फरपुर कांड का खुलासा करते हैं और बिहार के मुखिया उस पत्रकारों पर दबा करके क्या खबर अखबार में नहीं छपेगी। और महिला नेताओं का दिन है कि सुप्रीम कोर्ट से लड़के उन महिलाओं के न्याय के लिए दिखा दिया कि कैसे कौन दोषी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार के नौजवानों का एक गर्म खून है, राजनीतिक रूप से सजग और सक्षम ये पीढ़ी है। आप से मैं सवाल करना चाहता हूं मीना जी, अब कि आपने जौहर की मैं बात की, कॉमरेड जौहर के जमाने से सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत आपने की थी, आपकी राजनीति आज तक बिहार में जड़े जमाने में नाकाम क्यों हुई है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 साल में सरकार बना दी और आप ये सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल है या सामंतवाद है या पूंजीवाद है, इसी के पचड़े में पड़े रहे। आपकी राजनीति कहां है सामने? मतलब आप तो बता सकती हैं कि हम इतने जगह आंदोलन किया, हमने इतने लोगों को मोबिलाइज किया, दिखता नहीं है। एक साथ कई मुद्दे पे उछल रहे हैं चूंकि विषय करने ही पड़ेगा क्योंकि हमारा समाज बड़ा रंग बिरंगा है। ठीक है, आपने विषय ये तय किया था कि क्षेत्रीय पार्टियां विकल्प क्यों नहीं बन पाती हैं, महिलाओं को देखा तो महिला इशू शुरू कर दिया। उसी पे आ रहा हूं, कोई बात नहीं, हम लोग दोनों ही सवालों पे, आप एक पार्टी के हैसियत से भी बात करेंगे और चूंकि महिलाओं के मुद्दे पे हम लड़ते हैं, महिला है, महिलाओं के सवाल पे हमारी प्रतिबद्धता है, हम दोनों ही सवालों पे बात कर सकते हैं। देखिए, अभी जो पहले हम लोगों की जो बातचीत चल रही थी, जो लोगों ने ताली बजाया, उसका मतलब क्या है आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो पार्टियों से परे बात हो सकती है कि महिलाओं के साथ आज जो कुछ हो रहा है, महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, इन घटनाओं के प्रति जो राजनीतिक दलों का रुख है, जो सत्ता में बैठे हुए दल हैं, हम साफ साफ कहना चाहेंगे, वो केंद्र की सत्ता हो, वो किसी राज्य की सत्ता हो, सत्ता में बैठे हुए दलों का पूरा रुख वो पितृसत्तात्मक रुख है और वो उन्हीं चुनिंदे मामलों को उठाते हैं। बलात्कार के मामले में इन्होंने बड़े जोश से कहा कि हम फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन बलात्कार के जो FIR दर्ज होते हैं उस FIR में कितने केस निर्णय तक पहुंच पाते हैं? वो तो न्यायिक प्रक्रिया की बात हो गई, वो तो बहुत, वो एक अलग सवाल ही अलग है। मैंने दूसरा मोड़ देने को, बहस को मैं मोड़ दे रहा था, माफ कीजिएगा कि आपकी राजनीति, वापस उस पर मत जाइए क्योंकि वो एक, आपकी राजनीति जड़े जमाने में नाकाम क्यों दिख रही है? मैं उस पर भी आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो पितृसत्तात्मक सोच है हमारे समाज के भीतर, हमारी तमाम संस्थाओं के भीतर, उस पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ लड़ना होगा महिला मुद्दों के हिसाब से। और हम ये देख रहे हैं कि जो दिल्ली में सरकार आई, वो सरकार इसी नाम पर आई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, लेकिन इस सरकार के आने के बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार है, क्या हुआ है वहां पर मीना जी? कश्मीर में माफ कीजिए, माफ कीजिएगा, कठुआ की आप, ये आपके मुद्दे हैं, ये देखिए, मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, आप देखिए अपनी राजनीति पे बात कीजिए, अब यही पूछते हैं अभी, और मैं अभी यही पूछते हैं, एक मिनट बात कर रही हूं, मेरी पार्टी, आप लोगों से पूछते हैं, मेरी पार्टी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन फांसीवाद कहती है, भारतीय जनता पार्टी पे फांसीवादी का होने का आरोप लगाती है, फांसीवाद जैसे टर्म आप क्या समझते हैं उससे? हाथ उठाएंगे एक और किसी का हाथ नहीं उठा, एक दो तीन चार जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपकी भाषा, आपकी राजनीति की भाषा लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप जानते होंगे, आप जरूर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। नौजवान पीढ़ी इस मुहावरे को नहीं समझ रही है, मैं ये कह रहा हूं। मुहावरा क्या है आपकी राजनीति का? लेकिन आपकी राजनीति पर भी बात आएगी, आपकी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। देखिए, अगर आप तो, मैंने एक बार भी सेमी फ्यूडल और सेमी क्या कॉलोनियल, आपने क्या कहा पता नहीं, वो शब्द आपको पता नहीं कि सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल क्या होता है? एक मिनट माफ कीजिएगा, एक मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM लिबरेशन की सीसी मेंबर कह रही है अर्ध सामंतवादी अर्ध पूंजीवादी, आपको नहीं मालूम है? अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहते हैं तो वो आपकी बात हो सकती है। मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो भी समाज के मूल्यांकन की बात, वो हम जब कर रहे थे, आप क्यों 70 की बात कर रहे हैं? आप हमेशा अगर इतिहास में जिएंगे,
आज के वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला इतिहास से हम सीख सकते हैं। इतिहास हमारे लिए टीचर होता है। और आप कह रहे हैं कि फांसीवाद नहीं समझते हैं लोग, फांसीवाद शब्द समझे ना समझे, भाजपा की सरकार के आने के बाद क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान का एक एक नौजवान समझ रहा है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार उसके लिए नहीं है और अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ है। गाय के नाम पे मारे जाएंगे लोग और पुलिस इंसान को नहीं बचाएगी, गाय को बचाएगी। लड़कियों पर बलात्कार होगा और कहा जाएगा कि ये कपड़े गलत पहनती है, अपनी सीमा में नहीं रहती, ये राजनीति। तो ये जो फांसीवाद शब्द की परिभाषा है वो लोग समझते हैं। मीरा जी, ये राजनीति की जो धारा बदल रहे हैं। मीना जी असल में आई ही इसीलिए है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा हाउस में ऑर्डर होना जरूरी है। ये जैसा मेरी कुलीग ने कहा, ये न तो विधानसभा है न संसद है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, अभी उनके पास भी आ रहा हूँ। मीना जी ने खत्म किया, बिल्कुल नहीं। अब आप ये बताइए कि राजनीति की जो धारा मोड़ रही, राजनीति का रंग जो बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मीना जी ने भी उस पर कहा, बाकी लोग भी ताली बजा रहे हैं, ये राजनीति भारत को कहां ले जाएगी? आप पर सवाल है ये। बिल्कुल, रंग तो बदल दिया। रंग इसलिए बदल दिया कि पहले जब पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में तो उसको लोग एक अलग मोड़ देकर और कहते थे कि गलत हो रहा है, बिचारों ने, बच्चों ने पत्थरबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने रंग बदल दिया, आतंकवादियों को वहां से भगा दिया, पत्थरबाजी बंद हो गई, रंग तो बदला है। दूसरी बात, जब बलात्कार की बात ये बार बार कर रही हैं, बलात्कारी है, ये किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो किया एनडीए की सरकार ने, वो किया, तो अरे जब कर दिया तो फांसी की सजा की प्रावधान भी तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ही की। आज के दिन में कहीं भी सीधे से कोई प्रधानमंत्री सीधे संवाद, आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार में सीधा संवाद जनता से किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। युवाओं से पूछना चाहती हूं, किया है क्या? और फिर मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूं युवाओं को ही, फिर मैं ये बात बताना चाहती हूं कि आज हर एक बात और हर एक प्रश्न। अमृता जी को सुनिए पहले क्या कह रही है। रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपके पास जब माइक आएगा तब बोलिएगा। अमृता जी को सुनिए। जब आपके पास माइक आएगा और जब आपके प्रश्न होंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अमृता जी आपने फांसी की बात कही अमृता जी ने। दुनिया के जो सभ्य देश हैं वहां फांसी की सजा खत्म कर दी गई है। अमेरिका में नहीं हुई है फांसी की सजा, लेकिन फांसी की सजा से चोरियां बंद नहीं हुई है, फांसी की सजा से हत्याएं बंद नहीं हुई है। सजा दो तो भी बोलेंगे, बलात्कारी को फांसी की सजा ना दो तो भी बोलेंगे। सवाल है, अब आप ही बताइए कि बलात्कारियों का क्या करें, बताएं। कानून में जो सजा है वो दी जानी चाहिए, बलात्कारियों को एकदम सजा दी, लेकिन फांसी की सजा के खिलाफ बोलेंगे वैसे सजा का प्रावधान करेंगे, आप ही बताएं। ये बहस हमारी बहुत गर्मा गर्म हो गई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फुहारे लाना चाहता हूँ जी। नहीं, अब टॉपिक चेंज नहीं, हमारा समय समाप्त हो रहा है। तीन पैनलिस्ट अगले सेशन के लिए आ गए हैं और वो भी इतनी ही दिलचस्प बहस होगी। मैं आखिरी में मणिकांत ठाकुर जी से बस थोड़ा दो मिनट में मणिकांत ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि दो महिलाएं हैं, ये राजनीति के अलग अलग छोरों पर खड़ी हुई है, एक वामपंथी हैं और एक बिल्कुल राइट पे हैं, लेकिन महिला होने के नाते इनकी कोई साझा चिंता हो सकती है क्या? कोई आपकी साझा चिंता हो सकती है? राजेश जी, कैसे होगी साझा चिंता? जहां पर राजनीति जाति पर के आधार पर, धर्म के आधार पर बट जाती हो, जहां की राजनीति में वोट महत्व रखता हो, वहां अगर जनता, वोट डालने वाली जनता और वोट लेने वाले नेता, ये दोनों अगर इसको मुद्दा बनने ही नहीं देंगे तो फिर कैसी चिंता होगी? ये मुद्दा बनने नहीं देते हैं इन सारी बातों को। इसलिए भी कि अब बताइए कि ये निर्भया जैसा कांड हुआ उस पर कितना बावेला मचा, कितना उबाल पैदा हुआ, लेकिन क्या उसको आप या कोई बता सकता है कि उसका राजनीति में नेताओं को चुनने में कितना उपयोग किया गया?
वो लोग भूल जाते हैं। आज जो बिहार में घटनाएं घट रही हैं, जितना कुछ हो रहा है, इसमें अगर ये वोट का मुद्दा बने, अगर लोगों के बीच भी ये मुद्दा उभर के इस तरह आए कि अगर यहाँ पर से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, बलात्कार की घटनाएं कम नहीं होंगी, तो जनता वोट नहीं डालेगी, ये तो परिस्थिति और ये मनस्थिति ही नहीं बन पा रही है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा था, आप कैसे कहेंगे कि ये नेता प्रभावित होंगे? ये तो नहीं प्रभावित होंगे, ये अपनी राजनीति करते चले जाएंगे। इसलिए कि ये जानते और समझते हैं कि इस आधार पर वोट नहीं मिल सकता है। जैसे यही बिहार के में ही एक बड़े राजनेता ने कह दिया था कि विकास के नाम पर कोई वोट देता है क्या? अब अगर इस तरह की बातें होती हों तो वहाँ पर चिंता अगर आप करेंगे तो सचमुच में ये आपको, हमको, सबको ये निराशा की स्थिति में डालता है। मणिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये बहस लगातार चलती चली जाएगी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, लेकिन फिर वो उसके बाद वाइंड अप करेंगे। देखिए, ये सच है कि महिलाएँ इस समाज का हिस्सा हैं, इसलिए समाज में जो प्रवृत्तियाँ होंगी वो हम महिलाओं में भी होंगी। महिला है इसलिए आपको बिल्कुल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होगा। समाज में जो विभाजन है वो विभाजन महिलाओं में भी होगा। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि महिला मुद्दों पर वोट नहीं मिलेगा इसलिए कोई पार्टी नहीं उठाती है, बिहार ऐसा राज्य नहीं है। ये बिहार ऐसा राज्य है जिसने शेल्टर होम के मामले को लेकर बिहार बंद किया है। आपको जानना चाहिए कि यहाँ तमाम वामपंथी पार्टियां जो हैं वो एक साथ उतरी और बिहार बन पाएगा, बिल्कुल बनेगा। ये लगातार हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि शेल्टर होम में जब सरकार तो बार बार बोल रही है, हो जाने दीजिए। अच्छा, तो इस मुद्दे पर आप दोनों भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम की दोनों नीतियां साथ हैं। रहने वाली लड़कियां अगर इस मामले में साथ, कम से कम एक मामले में महिलाओं के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राजनीति पार्टी की, नहीं राजनीति पार्टी की बात मत कीजिए, दो महिला होने के नाते बिल्कुल महिलाओं के मुद्दे पे हम लोग, क्या हमारे प्रधानमंत्री भी उनके साथ ही खड़े हैं? एनडीए की पूरी सरकार भी उनके साथ ही खड़े। बहुत जोर से हंसे लोग। मैं बस एक सवाल करना चाहती हूँ जी, कि ये सारे बापू, ये जितने राम रहीम से लेके, आशा राम से लेके, जितने बलात्कारी जेल में बंद हैं, सबके वकील भाजपा के नेता ही क्यों होते हैं, ये हमको जवाब दे दीजिए। देखिए, ये अमृता जी, अमृता भूषण भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। धन्यवाद। मीना तिवारी जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं सीपीएम लिबरेशन की, आपने बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। मणिकांत ठाकुर हमारे सहयोगी रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार को अच्छी तरह जानते हैं। आपने जो तटस्थ भाव से जो चीरफाड़ की राजनीति की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। धन्यवाद।